हेलो दोस्तों। तो यार आज की पेंटिंग का टॉपिक है सेव एनर्जी, ठीक है। और आप ना इसको अलग अलग टॉपिक पे बना सकते हो, मतलब जैसे कुछ कुछ चेंज करके, जैसे सेव एनर्जी पे मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ कुछ चेंज करके बना सकते हो, ठीक है। मतलब जैसे आपको लगे, ओके। हाँ तो अब देखो, यहाँ पे ना सबसे पहले बीचों बीच ना ऐसे सर्कल बना लेना, और आपको ना इसमें ब्रश की ज़रूरत मतलब सॉरी पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा ना ब्रश से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ना ब्रश से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है, जल्दी जल्दी। वो बस रफ ऐसी रफ फिगर बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद ना फ्लैट ब्रश लो, लगभग 6 या 7 नंबर का, और ये डोम्स के ब्रश यूज़ करता हूँ मैं। वैसे फाइन आर्ट ब्रश यूज़ करो तो वो भी बेस्ट होते हैं, वरना आप डोम्स के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ना सबसे पहले ब्लैक करो, और उसमें ऑरेंज से ना मीडियम टोन दो, मतलब ऑरेंज और ब्लैक को मिक्स करोगे ना तो मीडियम टोन आएगा। फिर उसके बाद ना ऑरेंज मिक्स कर दो बिल्कुल लेके, तो फिर उससे ना पता है क्या होगा, मतलब डार्क मीडियम और लाइट का बहुत अच्छा मिक्सचर आएगा। देखो कितना कितनी अच्छी मतलब मिक्सचर कितना अच्छा आया है, और ब्लेंडिंग देखो कितनी प्रॉपर हुई है, मतलब प्रॉपर नहीं हुई है असल में, क्योंकि वो मैंने थोड़ा टेक्सचर वाला रखा है हल्का, तो आपको भी वैसे थोड़ा टेक्सचर वाइज रखना है इसको, ठीक है। क्योंकि अभी ना मैं यहाँ पे कैंडल बनाऊँगा, और ये ना ये नीचे बेंच बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनाऊँगा क्या आपको ये बताता हूँ मैं। हाँ देखो, ये बेंच में ना ऐसे वाइट से ना पहले ब्राउन कर देना, और फिर उस पर ना वाइट से ऐसे सीधी सीधी लाइन देना, या फिर मतलब ब्लैक और मैंने ऑरेंज को मिक्स किया हुआ था तो वो उससे ब्राउन ही बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर इधर भी मतलब ब्लू, और फिर उसके अंदर वाइट मिक्स, और मैं पर्शियन ब्लू यूज़ करता हूँ, पर्शियन ब्लू बेस्ट होते हैं, ठीक है। और मतलब जो एक्रेलिक कलर के डब्बे में आता है ना एक ब्लू बेकार सा होता है, उसको यूज़ मत कर लेना, ठीक है। वो मतलब थोड़ा ऐसे चमकता चमकता सा, और उससे मिक्स करो ना तो मतलब जो शीट होती है वो ज़्यादा दिखने लग जाती है, मतलब वो बेकार सा होता है असल में, ठीक है। तो मैं अलग से फिर पर्शियन ब्लू खरीद के लाता हूँ ये करने के लिए, ठीक है। हाँ तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें बना क्या रहा हूँ मैं। देखो दो दो साइड मैंने डिवाइड किया वही सर्कल के बीच, एक ब्लू कलर में बेंच है, और एक मतलब जो हमारा होता है सिंपल लकड़ी वाला बेंच, ठीक है। तो एक बच्चा राइट वाले में पढ़ रहा है, और उसको ना मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर पा रहा, और जहाँ पे मतलब दारू वारू एक बंदा पी रहा है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा, ये दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ना, जैसे अगर एक कोई बच्चा गांव में पढ़ रहा है तो उसको भी सेम लाइट मिलनी चाहिए जितनी मतलब एक बंदा शहर में दारू पी रहा है ऐसे बैठ के कहीं भी, मतलब जो है, ठीक है। तो ये चीज़ शो किया मैंने, और इसमें देखो जो मैंने बैकग्राउंड में जैसे करा है, ठीक है, थोड़ा अंदर की ओर एक सेमी सर्कल सा बना रखा है मैंने, और डार्क ब्लू को बीच तक लाया हूँ मैं सेमी सर्कल में, तो ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है ना। तो ऐसे, और देखो जब भी तुम मतलब पोस्टर मेकिंग करते हो ना, तो मतलब एक ऐसी चीज़ सोच लिया करो जैसे मैंने सोचा ये वाला पार्ट, वैसे ना आप भी ऐसी चीज़ सोच लिया करो कि मतलब जिससे ना जज होते हैं ना वो अट्रैक्ट हो, मतलब कि इस बंदे ने क्या क्रिएटिव किया है, कि मतलब क्या सोचा है इस बंदे ने। जैसे गूगल से तो देख के बना देते हैं बहुत, लेकिन थोड़ा ना दिमाग लगाओगे ना कि मतलब ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, तो ऐसे मतलब जज ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करना मतलब पहले ना एक सेंटर में थीम सोच लो कि मैं क्या कर सकता हूँ सेव एनर्जी पे, फिर उसके बाद आसपास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बना दो जैसे सेव करने की, साइकिल यूज़ करो, ये यूज़ करो वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब, ठीक है। देखो फेस पे ना मैंने ऑरेंज किया है, और उसके राइट साइड ना मैंने मतलब हल्का सा लाइट रखा हुआ है, देखो ध्यान से, मतलब उसमें वाइट मिक्स किया मैंने, तो वो इसलिए किया है मतलब देखना, इसके ना राइट साइड में हर बारी थोड़ा सा लाइट करूँगा, क्योंकि ना राइट साइड इसके ना कैंडल पड़ा होगा तो वहाँ से ना लाइट आ रही होगी, मतलब बाद में मैं थोड़ा येल्लो भी कर दूंगा ताकि मतलब उससे वो लगे कि जैसे लाइट। अब देखो इसमें ब्लू में ऑरेंज मिक्स किया मैंने, अब तुम सोचोगे ब्लू में ऑरेंज की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि जब लाइट आएगी ना तो उस तरफ से ना मतलब लाइट की रिफ्लेक्शन आएगी, तो ऑरेंज और येलो के मिक्सिंग से ना मैं मतलब थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन शो करूँगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको भी। अब देखो मैं राइट साइड ही वाइट करूँगा, देखो वाइट करा मैंने, अब यहाँ पे येलो यूज़ करूँगा, देखो है ना, और येलो की ब्लेंडिंग इस वक्त प्रॉपर होनी चाहिए, देखो मैं बिल्कुल प्रॉपर ब्लेंडिंग दे रहा हूँ उधर, है ना, अभी देखते चलना। और यहाँ पे दो हाथ बनाऊँगा, तो देखो पेंसिल की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, सीधा मैं मतलब कलर से ही कर रहा हूँ, और आप भी ऐसे सीधा कलर से करोगे ना तो और अच्छी आदत हो जाएगी। वैसे अगर पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ना पेंसिल से ये होता है कि पोस्टर मेकिंग जब करते हैं ना कॉम्पिटिशन में तो ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो वो टाइम बचाने के लिए सीधा अगर आप कलर से स्टार्ट करोगे ना
तो बाद में, क्योंकि देखो कलर से करोगे तो बैकग्राउंड अगर तुम पहले करोगे तो जो पेंसिल से ड्रॉ कराओ वो तो ढक ही जाएगा, है ना। और अगर तुम मतलब पेंसिल से पहले बना देते हो फिर उस पर मतलब कलर करते हो ऐसे मतलब हर एक फिगर को, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मतलब सीधा बैकग्राउंड करने के बाद उसके ऊपर देखो कलर तो चढ़ ही जाते हैं, तो इसलिए अगर बैकग्राउंड करने के बाद सीधा उसके ऊपर आप ब्रश से ड्रॉ करना सीख जाते हो तो बहुत फ़ायदा होगा आपको पोस्टर में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, हाँ आप देखना इसके ना राइट साइड मैं थोड़े से येलो येलो वाला शेड दूंगा, क्योंकि बिल्कुल राइट में एक कैंडल पड़ा होगा तो उसके लाइट की रिफ्लेक्शन आएगी मतलब इसके राइट बॉडी पे। ठीक है,
अब देखो, अब ना यहाँ पे मैं एक थोड़ा टेक्सचर वाला बैकग्राउंड करूँगा। देखो सबसे पहले ब्लैक में पर्शियन ब्लू मिक्स कर दिया। अब ना देखो ब्लू में ना, ब्लू को क्या करना है, ब्लू को ना वहीं पे रखना है और नीचे से ना वाइट को ब्लू के अंदर डालना है, ठीक है। और ना ब्लू में हल्का पानी मिक्स करके रखना और ब्लू को बिल्कुल गाढ़ा लेना है इसमें, ठीक है। मतलब वाइट को बिल्कुल गाढ़ा लेना है, मैंने ब्लू को तो नहीं बोल दिया, मतलब वाइट को गाढ़ा लेना है और ब्लू पे हल्का पानी मिक्स कर लेना पहले, ठीक है। फिर जब मतलब हल्का सांप जैसे नहीं होते वैसे वैसे टेक्सचर देना। मैंने देखो हल्का सा स्लो मो में बीच में किया था, मतलब थोड़ा सा स्लो कर दिया था वो, ताकि ना तुमको पता लगे कि मैं कैसे मतलब ब्रश को कर रहा हूँ सांप जैसा, जैसे होता नहीं है तो वैसे। मतलब देखो अभी वाइट से अंदर की ओर, मैं नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हूँ हर बार, ये देखो मतलब वाइट को ब्लू के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, ब्लू वाले बैकग्राउंड के अंदर। सेम प्रोसेस यहाँ पे ब्लैक में ग्रीन मिक्स करो, फिर उसके बाद ग्रीन के अंदर येल्लो को ऊपर की ओर डालना है, मतलब येल्लो को ग्रीन में डालना है। ये मत करना कि ग्रीन को नीचे खींच रहे हो, फिर वो मतलब लाइट पे, डार्क से लाइट पे जाना पड़ेगा, आपको लाइट से डार्क में आना है, ठीक है। अब देखना जैसे, देखो यहाँ पे मैंने सैप ग्रीन मिक्स किया, अब देखते जाना। अब येल्लो लिया, अब येल्लो से ना फिर उसके अंदर डालूंगा हल्का सा, देखना, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है। देखो नीचे से ऊपर जा रहा हूँ ना मैं, देखो ऐसे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा हूँ हर बारी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ब्रश को जैसे मैं चला रहा हूँ ना, ब्रश तुमको वैसे ही चलाना है बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा, देखो कितना अच्छा टेक्स्चर आया हुआ है। देखो यहाँ पे ना मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहीं से देखा था कि एक हाथ है, तुम्हारी उंगली है, ठीक है। उंगली को ना तुम सुपरमैन जैसा बनाओ, मतलब मास्क और वो जो होता नहीं है कपड़ा सा पीछे, वो पहना दो, ठीक है, उंगली को। और फिर ना जैसे हमें ना वो उंगली को क्यों पहनाया है, वो सुपर हीरो, क्योंकि वो जैसे बटन को बंद नहीं करते तो वो एक सुपर हीरो की तरह हो गया, मतलब कि बटन बंद कर रहा है वो, तो सुपर हीरो की तरह एक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और ना इसमें बता देता हूँ शेडिंग का, इसमें ना डार्क डार्क वाले पार्ट पे ना हल्का सा ब्लैक मिक्स करना,
ऑरेंज के साथ, फिर करना वो, ठीक है, जैसे देखो ये, और जहाँ लाइट है वहाँ पे वाइट और ऑरेंज मिक्स करके करना, और जहाँ बहुत लाइट है वहाँ पे बस वाइट से हल्की सी, मतलब जैसे लाइन, अभी देखना जैसे मैं करूँगा, ये देखो अभी बिल्कुल लाइट वाला पार्ट, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब मैं वाइट को बिल्कुल लाइट वाला यूज़ करूँगा अभी, ठीक है। देखो अभी भी नहीं, अभी भी ये मीडियम वाइट है, ठीक है, अभी लास्ट में बिल्कुल हल्का सा जस्ट फिनिशिंग दूंगा तो वो वाइट से बिल्कुल करूँगा। अभी देखो ये मीडियम वाइट और ऑरेंज का टोन था, अब ये आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके यूज़ करते हैं वाइट, मतलब चार पांच ऐसी टोन होता है, डार्क मीडियम लाइट उससे थोड़ा लाइट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब देखो अब मैं वाइट यूज़ किया ना मैंने इस पर, मतलब हल्का सा ऐसे लाइन करके, तो वो ठीक है। अब ये सुपरमैन का वो कपड़ा नहीं होता, थोड़ा फोल्डेड कपड़ा टाइप बनाना जैसे ये कर रहा हूँ मैं, और इसमें ग्रीन और वाइट का यूज़ किया, और डार्क के लिए हल्का सा ब्लैक यूज़ करूँगा बस। देखो उंगली के आसपास थोड़ी शेडो आई, इस वजह से हल्का सा वहाँ डार्क किया था, और फिर ये मास्क, ठीक है। तो ऐसे देखो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाए थे ना मैंने, तो इसमें यार बीच में ना वो लाइन जो नहीं होती वो वाली लाइन डली नहीं, पर उसमें कुछ है नहीं, बस मतलब वाइट से सिंपल लाइन है, तो वो देख के तुम डाल देना, ठीक है, वो बहुत इजी है वैसे भी, ठीक है, तो वो कर देना। बाकी ये बल्ब बना देना एक, जो वो वाला नहीं होता सर्कल सा बल्ब, वो यूज़ करो ऐसे करके, ठीक है। और फिर ना अभी मैं जो अंदर है, जो जहाँ पे दारू पी रहा है ना वो बंदा, वहाँ ना मैंने तीन तीन बल्ब दिखाए हैं, तो एक बल्ब मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सेम बनेंगे, तो आप भी मतलब सेम तरीके से तीनों बल्ब बना लेना, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो ये दारू जो पी रहा है वो बंदा, मतलब देखो तीन तीन बल्ब जला के आराम से पी रहा है, मतलब इतनी लाइट आ रही है उस पर, लेकिन इधर जो बंदा है उस पर लाइट ही नहीं है, तो वो कैंडल जला के मतलब ऐसे पढ़ रहा है, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पे एक मतलब अपना मैसेज शो कर देना, अगर आपको कुछ पूछना हो या मेरे से बात करनी हो तो मेरे को ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मतलब पूछ लेना कुछ भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और मैं पक्का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।